अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और वेलकम करते हैं आपका विशाल लाइफ में। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ, लेकिन मेरी आज जो वीडियो है वो एक टॉपिक पर है जिससे के बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगी। मैं काफ़ी दिन से पर वीडियो बनाने का सोच रही थी, बट मैंने सोचा कि चलो मैं आज बना लेती हूँ। तो आप लोगों से कुछ छोटी सी बातें हैं जो शेयर करनी है। मुझे जो बात करनी है वो ये है कि जो हमारी बहन है सितारा यासीन, उनके बारे में बात करनी है। सब जो है अपने मुश्किल वक्त को बहुत ही समझदारी के साथ लेके चल रही हैं हूँ, और इस मुश्किल वक्त में जो लोगों की बुरी बातें, लोगों की बुरे अटैक्स होते हैं, ये बहुत ही तकलीफ़ दे होते हैं, और मैं उनकी इस तकलीफ़ को समझ सकती हूँ कहीं ना कहीं पर। वो अपने बच्चों के लिए जो कर रहे हैं और उन्हें अपने बच्चों के लिए ही जो भी कुछ है करना है, अल्लाह उनकी मदद करेगा और कर भी रहा है। और हमारी प्यारी बहन सितारा यासीन तो इंशाल्लाह वो बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रही हैं, और अल्लाह इसमें उनकी बहुत बहुत मदद कर रहा है और इंशाल्लाह आगे भी करेगा। मेरी दिल से दुआ है, उनकी वीडियोस में देखती हूँ, कमेंट्स भी करती हूँ, और सीरियसली जब मैं दुआ देती हूँ तो दिल से देती हूँ। मैं आप सितारा यासीन, आप जो मेरी बहन है, प्यारी सी बहन है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं दिल से आपके लिए दुआ करती हूँ, और दुआएँ जो आपके कमेंट्स में करती हूँ वो भी मैं दिल से ही करती हूँ। तो आपकी तकलीफ़ को मैं बिल्कुल पूरा तो नहीं समझ सकती, लेकिन थोड़ा बहुत भी समझती हूँ। और जो इस मुश्किल वक्त को आपके लिए लोगों ने और मुश्किल बना दिया है, उस क्योंकि क्या होता है कि मुश्किल वक्त आता ज़रूर है सबके साथ, लेकिन जो हमारी साथ रहने वाले लोग होते हैं या आपको कमेंट्स में जो लोग बुरा भला कहते हैं या वीडियोस अपनी अपनी बना के आपको एक अपनी नेगेटिविटी दे के जा रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, और ये बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन ये बात जब बड़ी होगी जब हम अल्लाह ताला के पास चले जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर हमें एक छोटी से छोटी नेकी की बहुत ज़रूरत होगी। तो मेरा बहुत ही दिल दुखा ये चीज़ देख के, उनकी लोग उनकी वीडियोस पर बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं हमारी सितारा यासीन सिस्टर के लिए। और मतलब मैं, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि अगर आप मुसलमान हो के एक मुसलमान की परेशानियों को डबल कर रहे हैं या उनकी दिल आज़ारी कर रहे हैं, तो आप क्या मुसलमान हैं, या आप अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे कि आपने एक मुसलमान होके दूसरे मुसलमान के लिए क्या करा। कुछ नहीं करें आप, लेकिन कमेंट्स अच्छे भी नहीं करें तो कम से कम बुरे भी नहीं करें। और अगर आपको लगता है वो झूठी हैं, वो फेक वीडियोस बनाती हैं, वो सब फेम के लिए कर रही हैं, तो आप उन्हें देखना छोड़ दीजिए। आप उन्हें देखना भी है और उनके बारे में बुरा भला भी कहना है तो ये चीज़ बहुत ही गलत हो जाती है। आप उन्हें इग्नोर कर दीजिए, और नहीं तो आप उनके मुश्किल वक्त को प्लीज़ मुश्किल और नहीं बनाइए। ये मेरी आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ जो है लोगों की परेशानी को बढ़ाने के बजाय कम करने की कोशिश कीजिए। और बस ये एक छोटा सा मेरा मैसेज था। और सितारा यासीन जो हमारी बहन है, प्यारी सी बहन है, मैं उनसे यही कहूँगी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना है, और अल्लाह ताला ने एक औरत को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया है। और जैसे कि आप अभी सब कुछ हैंडल कर रही हैं, आप माशाल्लाह से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और आपके बच्चे आपके लिए सब कुछ हैं, आपने उनके लिए खुश भी रहना है और सब कुछ करना है, अल्लाह आपकी बहुत 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 मदद करेगा। और यकीन जाने, बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त ज़रूर आता है, हर सब्र के बाद भी एक अच्छा वक्त आता है, और आपने बहुत अच्छे से सब्र किया है। और मेरी दुआएं हैं, आप खूब तरक्की करिए, खुश रहिए, और बहुत सारी दुआओं के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।